क्या आपने कभी डॉग की ऐसी प्रजाति के बारे में सुना है जो कि दुनिया के सबसे छोटे डॉग और सबसे क्यूट डॉग होते हैं, और मार्केट में ये छोटे से क्यूट से दिखने वाले डॉग्स की कीमत लाखों रुपए में होती है। और क्या आपने कभी दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल हिरन के बारे में सुना है, जिसे बाहर की कंट्रीज में लोग इसे घरों में पालना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के टॉप 10 मोस्ट क्यूट एनिमल्स के बारे में बताऊंगा, जिन्हें देखते ही आप इन्हें अपने घर में लाना चाहोगे। और गाइस, इसी लिस्ट में कुछ ऐसे क्यूट जानवर भी हैं जिनके बारे में ना तो आपने अब से पहले कभी सुना होगा और ना ही आपने उन्हें किसी वीडियो में देखा होगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप 10 मोस्ट क्यूट एनिमल्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है व्हाइट स्क्विरल। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि गिलहरी के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि ये जीव दुनिया में हर जगह पाया जाता है। नॉर्मल गिलहरी को तो आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सफेद गिलहरी के बारे में सुना है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सफेद गिलहरी तो होती भी नहीं है, हमने तो उसे कभी देखा भी नहीं है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि दुनिया में एक सफेद गिलहरी भी पाई जाती है, जो कि नॉर्मली लोगों को इसलिए दिखाई नहीं देती है क्योंकि गिलहरी की ये प्रजाति बहुत ही रेयर है। 10 लाख गिलहरी में से कहीं एक गिलहरी आपको सफेद दिखाई देगी, तो फिर आप इसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि ये गिलहरी कितनी ज्यादा रेयर है। और ये देखने में इतनी क्यूट होती है, जिसे देखने के बाद शायद आप इसे बिना छुए रह भी ना पाए। ये गिलहरी भी नॉर्मल गिलहरी की तरह पेड़ पर रहती है और अपना वहीं घोंसला बनाती है। रेयर होने के बाद भी इस गिलहरी की डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग इसे पाने के लिए लाखों रुपए तक खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस गिलहरी की कीमत सिर्फ 1-2 लाख रुपए हो, इस गिलहरी के एक जोड़े की कीमत 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक होती है। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे लोग इस गिलहरी को अपने घर में पालना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 9 पर है बेबी हेजहॉग। ये छोटा सा और क्यूट सा दिखने वाला जानवर एक अफ्रीकन हेजहॉग है, जो कि सबसे ज्यादा अफ्रीका में ही पाया जाता है। वाइल्ड एनिमल होने के बाद भी ये लोगों का बहुत ही पसंदीदा पेट बनता जा रहा है, क्योंकि ये बचपन में बहुत ही क्यूट और सीधे जानवर होते हैं, लेकिन इनकी काफी ज्यादा देखरेख की आवश्यकता होती है। अगर इनकी देखरेख काफी अच्छी तरह से की जाए तो ये सबसे ज्यादा खुश और हेल्दी रहते हैं। ये क्यूट सा दिखने वाला जानवर घर में रखने के लिए तो ठीक है, लेकिन बच्चों को इससे दूर ही रखना पड़ता है, क्योंकि इनके शरीर पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो कि नुकीले भी होते हैं। इसे हाथ में लेने से ये चुभते तो नहीं है, लेकिन हेजहॉग को जब आपसे खतरा महसूस होगा तो वो इनसे आपको चोट भी पहुंचा सकता है। हेजहॉग की एज 5 साल की होती है और ये क्यूट एनिमल के साथ साथ बहुत अट्रैक्टिव भी है, इसे देखते ही बस इसको खिलाने का ही मन करता है। नंबर 8 पर है बेबी गॉट। ये बचपन में देखने पर बहुत ही क्यूट और प्यारी लगती है, जिनके साथ हर कोई खेलना भी चाहता है। और ये बेबी गॉट बचपन में बहुत ही तेज और फुर्तीले होते हैं। ये जब भी जन्म लेते हैं तो इनका जन्म सिंगल या फिर तो ट्विंस में होता है। ज्यादातर ट्विंस एक जैसे ही दिखते हैं और शायद कभी कभी दोनों का रंग अलग अलग भी हो सकता है। इन बेबी गॉट की एक खास बात होती है कि ये जन्म के 1 मिनट बाद ही खड़े होना सीख लेते हैं। और बेबी गॉट से रिलेटेड शायद आपको एक बात ना पता हो, जब ये जन्म लेते हैं तो तुरंत ही इनके नाखूनों को भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि अगर इनके नाखून नहीं काटे तो इनकी एज के साथ साथ इनके नाखून भी 2 गुनी तेजी से बड़े होते चले जाएंगे। बाद में इन्हीं बड़े बड़े नाखूनों की वजह से इनके चलने में भी प्रॉब्लम होती है। इन बेबी गॉट को खेलना कूदना बहुत ज्यादा पसंद होता है और इस टाइम पर ये और भी ज्यादा क्यूट लगते हैं। इन्हें इंसानों के साथ खेलना भी बहुत पसंद होता है और बहुत से लोग इन्हें अपने घरों में भी पालते हैं। नंबर 7 पर है हैमस्टर। हैमस्टर एक चूहे की तरह दिखने वाला जानवर है, जिसे लोग अपने घरों में पालना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये अपने क्यूटनेस के साथ साथ बहुत स्मार्ट भी होते हैं, और इनकी आंखें देखने के बाद तो शायद आप इसे बिना छुए रह भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये अपने छोटी आंखों की वजह से और भी ज्यादा क्यूट लगते हैं। हैमस्टर का जब जन्म होता है तो ये अपने जन्म के समय में इतना छोटा होता है कि इसे आप अपनी एक उंगली पर भी रख सकते हैं। बहुत से लोग इन्हें पालना पसंद करते हैं और इन्हें पालने का खर्चा भी इतना ज्यादा नहीं होता है। ये नॉर्मली फल फ्रूट्स ही खाना पसंद करते हैं। नंबर 6 पर है अर्मन। आप में से बहुत ही कम लोग इस जानवर को जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही रेयर है। ये नॉर्थ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। देखा जाए तो नॉर्मली इनका कलर ब्राउन
ब्राउन और व्हाइट होता है, लेकिन ठंड के मौसम में इनका ये कलर व्हाइट कलर में बदल जाता है, जिससे ये अपने आप को ठंड से बचाते हैं और बर्फ के अंदर छिपते हैं। ये जानवर देखने में जितना क्यूट है उतना ही एग्रेसिव भी है, क्योंकि ये एक जंगली जानवर है जो कि शिकार करके अपना पेट भरता है। ये जानवर इतना गुस्सैल होता है कि अपने से भी दो गुने बड़े जानवर को मार सकता है। इसमें इतना गुस्सा होने के बाद भी इसे अगर सही ट्रेनिंग दी जाए या सही से ट्रेंड किया जाए, फिर ये घर में भी रखने के लायक बन जाता है। लोग इसे छोटे से ही पालना पसंद करते हैं, क्योंकि इसे सब कुछ अच्छे से सिखाया जा सके। नंबर 5 पर है एंगोरा रैबिट। ये खरगोश अपनी सबसे ज्यादा दो चीजों के लिए जाना जाता है, एक इनके बड़े बड़े बालों के लिए और दूसरे इनके क्यूटनेस के लिए। एंगोरा रैबिट को तुर्की में खोजा गया था और 19वीं सदी के अंत तक ये अमेरिका तक पहुंच चुके थे, क्योंकि आप सभी को तो पता ही होगा कि खरगोश अपनी पॉपुलेशन को कितनी ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। सबसे ज्यादा लोग इनके बाल और शरीर को देख के अट्रैक्ट होते हैं, और इनके शरीर के बाल बहुत ही मुलायम होते हैं, और अगर आप इनके बाल को काट भी दोगे तो 3 से 4 महीने में इनके शरीर पर फिर से ये बाल इतने ही बड़े हो जाएंगे। इन खरगोशों में जंगली स्पीसीज को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और इनके बालों से कपड़ों को भी बनाया जाता है। नंबर 4 पर है बेबी पांडा। गाइस, दुनिया में शायद ही कोई होगा जो पांडा के बारे में नहीं जानता होगा, और आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि ये बेबी पांडास कितने ज्यादा क्यूट होते हैं। ये बेबी पांडा अपने बचपन में ज्यादातर खेलना और सोना ही पसंद करते हैं, जो कि खेलते समय ये बहुत ही फुर्तीले होते हैं। ये बेबी पांडा बचपन में तो बहुत ही ज्यादा क्यूट और अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ही ये खतरनाक भी होते चले जाते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा बैम्बू खाना पसंद होते हैं। बड़े होने के बाद इन्हें या तो जंगल में छोड़ दिया जाता है या फिर तो जू में छोड़ दिया जाता है। वैसे ज्यादातर पांडास आपको जू में ही देखने को मिलेंगे। ये बेबी पांडा कितने ज्यादा क्यूट होते हैं वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। ये देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग इसे पालना चाहेंगे, लेकिन संभाल के, बचपन में तो इन्हें पालना ठीक है, लेकिन बड़े होने के बाद आपको इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। नंबर 3 पर है द सिल्क मॉथ। ये व्हाइट कलर की एक ऐसी मक्खी है जिसे देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ सो क्यूट ही निकलेगा। इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं और इसमें सबसे ज्यादा अच्छे इसके सर के ऊपर से निकले हुए ये छोटे से पंख अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये इसके सिंह हो, और इसके पंख 2 इंच तक बड़े होते हैं, लेकिन ये ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाता है। उड़ने के कुछ दूर बाद ही इसे किसी पेड़ पौधे पर बैठना पड़ता है, और फीमेल सिल्क मॉथ एक बार में 3,000 से 5,000 तक अंडे देती है, इसलिए इन सिल्क की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। नंबर 2 पर है बेबी डियर। आप में से बहुत से लोगों ने हिरण को तो जरूर देखा ही होगा, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। जब एक अडल्ट डियर इतना क्यूट दिखता है तो सोचिए कि इसके बेबी डियर कितने क्यूट होते होंगे। जब एक बेबी डियर जन्म लेता है तो उस समय उसका वेट लगभग 4 किलो के बराबर होता है, और इनके शरीर पर आपको जो व्हाइट स्पॉट दिखाई दे रहे हैं वो इनके जन्म से ही इनके शरीर पर होते हैं। ये व्हाइट स्पॉट इन्हें सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बनाते हैं, बल्कि उनके घास में छुपे रहने में भी मदद करते हैं, क्योंकि इन्हें बाकी जंगली जानवरों से बहुत खतरा होता है। लेकिन 1 साल के बाद इनके शरीर से ये स्पॉट खत्म हो जाते हैं, मतलब कि इनके जन्म के 1 साल के बाद इनके शरीर से ये व्हाइट स्पॉट खत्म हो जाते हैं। इनका स्वभाव हम इंसानों के प्रति बहुत ही फ्रेंडली होता है। अगर आपको बेबी डियर कहीं पर भी घास में छुपा हुआ दिखाई दे तो उसे बिल्कुल भी मत छूना, क्योंकि उसकी माँ उसके आसपास ही होती है। अगर उसने आपको बेबी डियर के आसपास भी देख लिया तो शायद वो उसे वापस नहीं अपनाएगी, इसलिए उन्हें दूर से ही देखें। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है व्हाइट पोमेरेनियन। गाइस, ये डॉग्स की एक ऐसी प्रजाति है जो कि दुनिया में सबसे क्यूट डॉग होते हैं, जैसा कि आपको इन्हें देख के लग भी रहा होगा, और इन डॉग्स की वीडियो आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर देखी ही होंगी। ये डॉग इतने क्यूट होने के साथ साथ इनकी आंखें भी नीले रंग की होती हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा क्यूट लगने लगते हैं, और इन डॉग्स का साइज इतना छोटा होता है कि आपके दोनों हाथों में आसानी से आ जाएंगे। ज्यादातर ये व्हाइट कलर में ही होते हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा मासूम और क्यूट लगते हैं। इन डॉग्स को घरों में बहुत ज्यादा पाला जाता है, बस इनका ध्यान सबसे ज्यादा रखना पड़ता है, और इस एक डॉग की कीमत मार्केट में लाखों रुपए तक होती है। तो गाइस, आपको इन टॉप 10 क्यूट एनिमल्स में से सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा क्यूट कौन सा जानवर लगा, और अगर आपको इन 10 जानवरों में से किसी भी एक जानवर को बिल्कुल फ्री में दिया जाए तो आप किसे लेना पसंद करेंगे, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी दुनिया के टॉप 10 मोस्ट क्यूट एनिमल्स के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।